हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है थोड़ा नवे ब्लॉग च। होर दसो जी, सारे ठीक ठाक हो? तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है, 6 बजे होने हैं, तो मैं उठ गई हाँ जी। जो आप मतलब अज है तो संडे है, मैं पहला सोचती सी कि लेट उठूँगी, पर जो आप डेली रोज़ उठते हैं फिर उस टाइम आदत पई होंगी है। तो कल शाम में मेरी बहुत तबीयत खराब सी, इसलिए फिर अगे ब्लॉग भी नहीं कल आया। तो शूट तो किया हुआ सीगा, मैं एडिट भी करके रखा हुआ सी, अपलोड नहीं होया। तो हूँ बस मैं उठी सी सुबह सुबह, सेहत मेरी खराब है, डॉक्टर चेंज किया। फिर मैं कल पहले बार डॉक्टर तो आराम नहीं आया, पेट दर्द होता रहा मेरा, तो बहुत ज़्यादा फीवर सीगा मैं, कल 103 फीवर हो गया सी। तो शुरू कर दें जी फिर अज का ब्लॉग, इंजॉय करो। तो दिखाने थानू अज संडे की रूटीन की होंगी है। तो रात नू कल मीह भी बहुत आया सीगा, शाम नू मम्मी भी भिज के आए, तो पार्टी सी जमा तो मम्मी ना दे, वो भी सारी खराब हो गई, किसी की रिटायरमेंट सी उत्थे ऑफिस। तो देखते हैं जी फिर अज की रूटीन। तो मैं बेड़े च बैठी हूँ, तो पानी पुनी पी के बैठी सी, थोड़ी रिलैक्स जी कर लव मॉर्निंग टाइम है। तो कल मीह पिया, देखो किन्ने पत्ते हैं बेड़े च, सारा बेड़ा पत्तियां नाल भरिया पिया। तो पर थोड़ा जि मीह पिया, पर साफ सुथरा हो गया मौसम, पत्ते सारे साफ। तो एक बार मीह पै के ठीक होना सी, क्योंकि कणकों का मिट्टी घट्टा चढ़िया होया सी। तो मैं अपने लिए दुध बनाया, डॉक्टर ने कहा कि तुम दुध पियो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैं क्या मेरा दिल नहीं करता, वैसे मेरा फेवरेट है दुध दही, तो मैं बहुत पीनी हाँ, पर हूँ मेरा दिल नहीं सी करता। जो भी दवाई चली सी चाह न तो बिल्कुल ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि तुम 2 तो 3 बार दिन से दुध पियो। तो मैं हूँ सौंफ इलायची पा के दुध बना के जिमें गुणताश में बनाती हूँ, उमें अपने लिए बना लिया। चाह न तो मेरा देखने भी दिल नहीं करता हूँ। लेके आनी हाँ फिर मैं अपना दुध, फिर पीने बैठ के। देखो जी मैं अपना दुध लेके आ गई। तो दुध पीना तो मेरा दिल करता, अज थोड़ा पेट भी ठीक है। कल शाम में तो मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई सी, मैं कल रो भी ली, नहीं मैं इन्नी छेती कद रोंदी नहीं। इन्नी ज़्यादा मैं फीवर होया, मतलब पेन हो रहा सीगा सब पूरी बॉडी च, तो मैं बहुत रोई कल। तो मैं रवि ने भी याद कर लिया, मैं क्या आँदे उन्होंने अजय दवाई दवा देनी सी, मम्मी है नहीं सी घर। तो मम्मी है नहीं सी घर, तो मम्मी ड्यूटी सी। मैं बहुत मैं रोना आया कल, मैं रो भी ली रवि ने याद करके, याद भी आँदी है मैं उन्हों की है नहीं है कुछ, उन्होंने याद में भी अद्धी मैं बीमार हाँ कुछ, बीमारी जी हैगी तो हैगी है। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम रैसट करी करो, तो मतलब रैसट भी मैं करती हाँ। कल मैं पता नहीं बेड़ा बूड़ा धोया, तो वो मैं थकावट हो गई। तो मैं हूँ कली हाँ घर च, जोड़े काम करने तो करने, हूँ टिफिन बना, रोटी बना, तो थोड़ी सफाई भी चाहिए। इन्नी गर्मी घर च बैठने दिल नहीं करता, तो फिर कौन करेगा हूँ, जब कोई है ही नहीं घर, किने करना तो मैंने करना पड़ना, बच्चे को पढ़ाना, ड्रेस धोनी उसकी, तो सब्जी भी बनाई बिना नहीं सरना, टिफिन जाने होंगे। अगर घर हो चलो बंदा सार लंदा टिफिन, तो सब्जी तो चाहिए हो, जो डेली के रूटीन के काम है वह तो करने ही पैंते हैं। तो रेस्ट भी मैं करती हूँ, देखती हूँ शायद मैं कोई हेल्पर रखा हूँ झाड़ू पोचे। मम्मी कहते कि बहुत ज़्यादा काम खराब हो पाया, डॉक्टर अंकल ने भी कल किया कि रेस्ट जरूरी है, ये रेस्ट नहीं करूँगे फिर ठीक नहीं होना, जहाँ मेरी मम्मी आऊँगे फिर और सब्जी सुब्जी बना देंगे हैं, देखते हैं कि बनता। तो हूँ मैं दूध पी लवा। तो हाँ जी हूँ बज गए 9 बज गए, तो काम कुम सारे हो गए। अज मेरी थोड़ी जी हेल्प होगी, मम्मी ने बेड़ा बूड़ा साफ करता, कपड़े धोते, जोड़े हत्थों गुमताश ड्रैसा ड्रुसा धोने वाली सी, तो बस मैं अपने अंदर काम कर ले झाड़ू पोचा। तो हूँ नहा नहा के मम्मी भी नहा ली, मैं भी नहा ली, तो हूँ फ्री हुई सी मैं। गुमताश ने अजे नहाना, वो लेट उठा सगा, लेट नहाँगे थोड़ा धुप्प जी हो जाए, क्योंकि रात की थोड़ी जी ठंड जी भी होगी मीह करके। वह एक फ्रेंड आया वो मस्ती लग्या हुआ कर, बस मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी अपना,
तो फिर दवाई लूँगी, फिर अज मेरे ड्रिप भी लगनी है, तो साह बहुत चढ़ता अजे भी ठीक नहीं है। मम्मी गए हैं लस्सी लैन, तो हूँ तो मैं दही नाल सिंपल परौंठी बना के खाऊंगी, फिर दवाई लूँगी, उसके बाद देखते हैं फिर शेक वगैरह बनाऊंगे। तो दोपहर में मैं अब खिचड़ी बनाऊंगी, रोटी खाने में दिल करता खिचड़ी ठीक रहती। ब्लॉग बना दिखता नहीं तेन क्या चक इन साइड पर रख दे हूं। ये किसकी नोज है? ये टैडी दी ता तोड़ती समझ नहीं आती, टैडी जान के कही जांदा ड्रामे करी जांदा हूं क्या तोड़ तोड़ के ये तो पहले ये एक से ना फिर दो ते हुण ब्रेकफास्ट करके मैं दवाई ले ली, ते दवाई तो बाद मैनूं थोड़ी नींद जी आउण लग जांदी है, ते हुण मैं पै गई। मम्मी और गुणताश गए हैं थोड़ा जिहा शहर नूं थोड़े सौदे जिहे लिआउणे सीगे, ते गुणताश नहाउण नूं रहिंदा जी, उहदी दादी नूं आऊगी हुण, मेरे ते नहाउणी हुंदा, बाहां 'च मेरीआं 'च बहुत दर्द है, ते उहदे बाल बहुत भारी हैं, तां टाइम वी लगदा, दादी दुपहर 'च नहा दूंगी, ते हुण दादी नाल गिआ, ते हूँ बस मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर डॉक्टर ने बुलाऊंगी, ड्रिप लगनी है, फिर मेरे भी ड्रिप लगवाने हैं, फिर हूँ बस नींद जी आती है मैं रात, कई दिन बाद मैं नींद आई है, मतलब जो अपने ब्लड घट हों वीकनैस हूँ फिर नींद भी नहीं आती हैगी, करके हूँ थोड़ी देर शायद मैं सौ मई। तो रवि पहुँच गए थे तो उदों ही, मतलब सिरे नहीं सी अजे पहुँचे, जम्मू से अज गए वो श्रीनगर, कार्रवाई होंगी है, तो 5-6 घंटे लगने अगे भी उन्होंने जाने, तो जाके हूँ कॉल करूँगे वो, तो फिर देखते हैं हूँ उत्थे का माहौल किमें, ठंड है उत्थे तो वधिया ही होगा मौसम, जम्मू तो अपने वर्गा ही सीगा, पंजाब वर्गा ही, तो गर्मी सी उत्थे तो, ते अगे ठंड है, तो मैं हूँ भी बोल दिन सह चढ़ रहा अगर तुम नोट की हो कल, तो मूँह मेरा बिल्कुल एवं कौड़ा होया पाया दवाइया खा खा के, इन दवाइया तो मैं कद नहीं खादियाँ जिन्या मैं हूँ खानिया पै गई, मैं बहुत घट दवाई खाती हाँ किसी भी चीज़ की, तो हूँ मैं पै गई बस, हम देखते हैं कदों वो आने उस तो ड्रिप लवानी है डॉक्टर ने बुला के। इतने मम्मा के ग्लूकोज लग गया, अज दादी नूं सारे काम करने और मम्मा नूं छुट्टी। हाँ खिंच रही, हाँ फोटो खिंचनी, इत्थे मम्मा अज मम्मा दे इत्थे मम्मा दे लगे हैं बहुत ज़्यादा इंजेक्शन, उन्हें लगी है पेन है ना, और हाँ ग्लूकोज एक एथे एक ओथे नसा आराम तो दिख रही हैं तिया ग्रीन ग्रीन तंजी, ये थोड़ा ग्लूकोज एथे टंगे हुआ जितने से सब फुटे ओथे ही टंगे है डॉक्टर जी ने है ना, सो जो हेलो जी सत श्री अकाल जी सारे नूं, कीमें हो जी सारे ठीक ठाक हो,
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੂਰਾ ਚਾਚਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਿਆ, ਅੱਜ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਗਲੂਕੋਸ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਡ੍ਰਿਪ ਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਣੀ ਅੱਜ ਜਸ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ ਜਸ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਲੌਗਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਛੋਟੂ ਬਲੌਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਗੇੜਾ ਵੀ ਮਰਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾੜ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਡ੍ਰਿਪ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਫੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੀ ਲੈਣੀ, 2-3 ਵਾਰ ਪੀਣੀ ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਈ ਲਗਾਈ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹੋਂ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂੰਗੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਕਰੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੂਗੀ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੇ 9, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰੌਂਠੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਚੌਲ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਡ੍ਰਿਪ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹਾ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਦਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਅਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਰੁਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਣਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਡ੍ਰਿਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ, ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਐਵੇਂ ਹੇਅਰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਲਗਾ ਲੂੰਗੀ ਤੇਲ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਵਾਉਣੀ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇਲ ਤੂਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹੂੰਗੇ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਵੇੜਲੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਾਰੇ, ਕੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਚਾਵਲ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਅਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੂੰਗੇ, ਅੰਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ।
गुंताश देख रहे हैं टीवी, तो मैं थोड़ा बाहर आई सी घूमन फिर, तो बाहर मौसम होया पे खराब, तो देखो किन्ने बदल हो पे। वैसे मीह पै जाए हूँ वधिया ही है, क्योंकि जोड़े मिट्टी घट्टे उड़ते वो ठीक हो जाएंगे। मीह पैंदा भी नहीं है, उन्नी बदल जो हो जाने। बस हूँ मैं अंकल की वेट कर, हिचकी लगी हुई मैं, डॉक्टर की वेट कर दी हाँ, कदों आऊँगे फिर कदों ड्रिप लगेगी जल्दी जल्दी लग जाए तो खत्म हो जाए। तो अच्छ मैं अपना ये वाला सूट पाया, लूज़ हो गया भी मेरे वेट काफ़ी टुट गया मेरा, क्योंकि 10 दिन मैं बिल्कुल कुछ खाधा पीता नहीं चंगी तरह, वो करके जोड़ा थोड़ा जहा वेट बढ़िया से हूँ बिल्कुल पेट वोट सब बच्चे चला गया। वीकनैस होगी ना टाइफाइड ना करके प्रॉब्लम होगी। चलो जी हम मिलते हैं थानू बाद।